हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 8 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रोस्टर का मालिक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा मुख्य न्यायाधीश। नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अहम फैसला दिया था। 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर बताया। इसके अनुसार चीफ जस्टिस अपने विवेक से यह तय कर सकता है कि कौन से केस की सुनवाई किस जज की बेंच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है, यह किस देश से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्हें 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही लगभग उन पर 73 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, और साथ में उनकी बेटी मरियम को 7 साल कठोर कारावास की सजा और दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को जांच में सहयोग नहीं करने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक साझेदारी एक व्यापार समझौता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसमें आंसर आएगा 2016 में। ट्रांस पैसिफिक साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता है, जो 4 फरवरी 2016 को हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए विश्व रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा, भारत की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में देश का आयात कवर कितने महीनों का है? इसमें आंसर आएगा 10.8 महीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले मूल्य पर प्रति व्यक्ति सरकार द्वारा खाद्यान्नों की अनिवार्य राशि क्या है? तो इसमें आंसर आएगा 5 किलो, और इसके तहत योग्य लोगों के लिए चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटे अनाज 1 रुपये किलो सब्सिडी वाली कीमतों पर प्रतिमा 5 किलो अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2018 में आयोजित ई कॉमर्स पर टास्क फोर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें आंसर आएगा, रीता टीओटिया ने, और यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के लिए 13 शांति कार्य संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा कितना बजट अनुमोदित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, $6.69 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गौरव प्राप्त किया? तो इसमें आंसर आएगा, सचिन तेंदुलकर 664 और राहुल द्रविड़ 509 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी धोनी बन गए हैं। भारतीय टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरकर 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल हेल्थ स्टैक के निर्माण को मंजूरी दी है, यह किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करने हेतु संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशुओं को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है, यह निर्णय किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसमें आंसर आएगा, यह अनुच्छेद 21 के तहत आता है। सड़कों पर वाहन चालक पहले बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि को रास्ता दे, इससे राह बाधित नहीं होगी, और काम पर जाने वाले पशुओं को हर 2 घंटे में पानी, 4 घंटे में भोजन देना आवश्यक है। पशुओं को एक बार में 2 घंटे से ज़्यादा पैदल चलाने पर रोक लगेगी, और पशुओं के स्वास्थ्य, भोजन, इलाज के साथ ही उनकी भावनाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी वाहन में
छह से अधिक पशु नहला दे जाएंगे और पशुओं को हाँकने के लिए चाबुक, नुकीली खूंटी और डंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ पर्यटन मंच की स्थापना की है? तो इसमें आंसर आएगा नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस फसल को उगाकर चावल की खेती में पानी की खपत को 33% तक कम किया जा सकता है? तो इसमें आंसर आएगा मक्का और बाजरा को उगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तीन गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश के, और ये तीन गांव है कालुवास, भगवतपुर और सोडीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीसी धारा को असंवैधानिक करार देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ का पुनर्गठन किया है? तो इसमें आंसर आएगा आईपीसी 377 की धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा खेलों में सट्टेबाजी को कानूनी रूप से वैध करने की सिफारिश की गई है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय विधि आयोग या लॉ कमीशन द्वारा, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सट्टेबाजी पर प्रतिबंध से काले धन और अपराध को बढ़ावा मिलता है। आयोग ने सट्टेबाजी या जुए में शामिल किसी भी व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड भी लिंक करने की और काले धन के इस्तेमाल रोकने के लिए नकदी रहित लेन देन करने की भी सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे खाली हवाई अड्डे के नाम से प्रसिद्ध एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा श्रीलंका के साथ। उड़ानों की कमी होने की वजह से 21 करोड़ वाली लागत से तैयार यह हवाई अड्डा दुनिया का सबसे खाली रहने वाला हवाई अड्डा बन गया। यहाँ से उड़ने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को भी घाटे और उड़ान सुरक्षा मुद्दों के चलते मई में स्थगित कर दिया गया, और यह हवाई अड्डा है मटल्ला हवाई अड्डा, और इनका नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2018 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा, इस इंडेक्स के मुताबिक सबसे पहला अमीर व्यक्ति है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, और सेकंड नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, और अब फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग वारेन बफे को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जॉर्जिया में आयोजित तिबलिसी ग्रैंड पिक्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा बजरंग पुनिया ने, और बजरंग पुनिया हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरी करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है? तो इसमें आंसर आएगा 52 वर्षीय अंजू कोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में पहली बार सूर्य को छूने के लिए किसके द्वारा अंतरिक्ष यान तैयार किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे ज्यादा कर भुगतान करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसमें आंसर आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रथम विश्व कयाकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, केरल और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने शॉटपुट एथलीट इंद्रजीत पर कितने साल का बैन लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 4 साल, 7 साल, 8 साल और 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली टैक्सी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शंस हैं राजस्थान, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।